बाड़मेर शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों के बीच नगर परिषद ने नवीन निर्माण कार्यों एवं कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति देना शुरू कर दिया है। आवासीय कॉलोनियों की अपेक्षा कॉमर्शियल क्षेत्र के लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है और उन्हें कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए नगर परिषद के चक्कर ही लगाने पड़ रहे हैं। आयुक्त आवेदनों के जल्द निस्तारण के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आवेदनों का ऑफलाइन निस्तारण कहीं न कहीं पारदर्शिता भी भंग कर रहा है। बाड़मेर के शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों के बीच नगर परिषद ने वैध भूखंड धारियों को नवीन निर्माण कार्य एवं कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए वैध भूखंड धारियों को अपनी अच्छी खासी चप्पलें घिसनी पड़ी है। आवासीय कॉलोनियों में निवासरत लोगों की अपेक्षा कमर्शियल क्षेत्र के लोगों को निर्माण कार्य की अनुमति के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं सबसे परेशानी यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है, जिससे आवेदनकर्ताओं को अपने दस्तावेज में कमियों का पता नहीं लग पाता। साथ ही इन आवेदनों का ऑफलाइन निस्तारण कहीं न कहीं पारदर्शिता को भी भंग कर रहा है। आवेदनकर्ताओं की माने तो आवासीय कॉलोनी में नवीन भवन निर्माण और नवीन निर्माण कार्य के लिए अनुमति तो मिल रही है, लेकिन इसमें समय अधिक लग रहा है। अधिकारी भी सही जवाब नहीं देते, साथ ही अनुमति से पूर्व मौका फर्ज बनाने वाले जेईएन अधिकांश गायब ही रहते हैं। मामले को लेकर नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक का कहना है कि नवीन भवन निर्माण और कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति के लिए शहर के आमजन बहुत परेशान है, क्योंकि नगर परिषद के 55 वार्डों के लिए 3 जेईएन हैं, उन्हें भी चुनाव कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए लगाए गए आवेदनों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता। चंडक के अनुसार पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होने से भी आमजन को अपने आवेदनों की कमियों की जानकारी नहीं मिल पाती, साथ ही ऑफलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सितंबर को आवेदन किया था आवास निर्माण के लिए नगर परिषद बाड़मेर में, और इनकी जो भी प्रक्रिया होती है वहाँ से आवेदन पत्र मिला, उसको भरा और जो भी दस्तावेज मांगे थे वो कोर्ट में नोटरी वगैरह करवा के मैंने दिए, और मेरे को लगभग 15 से 18 दिन के बीच में लगा टाइम है। और मेरे को क्योंकि मेरे सारे कागजात वगैरह एकदम सही थे और ऑफिशियली कार्यवाही के बाद में मेरे को 18 दिन में ये परमिशन मिल गई। तो कितनी बार चक्कर निकालने पड़ेगा कुछ ऑफलाइन था, अगर ऑनलाइन होता तो कितना बेटर? हाँ, ऑनलाइन होता तो बहुत बेटर रहता है, मेरे को यहाँ से जाना भी नहीं पड़ता और मैं मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर पर जो भी है यहीं से मैं आवेदन कर सकता था। जो भी डॉक्यूमेंट उनके नेसेसरी थे वो यहीं से सबमिट पीडीएफ फाइल द्वारा कर सकता था, लेकिन इसके लिए पहले आपको जैसे नगर पालिका पहला चक्कर तो ये है कि वहाँ से आवेदन पत्र लो, फिर उसमें कुछ स्टाम्प्स वगैरह लिखवाने पड़ते हैं, उसके लिए आप कचहरी जाओ, वहाँ से नोटरी कराओ, फोटो कॉपीज कराओ, और भी जो जैसे नक्शा बनाना पड़ता है तो नक्शा नवीन के पास में भी जाना पड़ता है वहाँ से। वर्तमान के अंदर बाड़मेर नगर परिषद द्वारा जो मकान निर्माण के लिए जो इजाज़त लोगों को चाहिए उसमें कर्मचारी गणों के द्वारा बहुत ढिलाई का मामला चल रहा है। इजाज़त जो समय पर मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, इससे बाड़मेर के लोग बाग बहुत परेशान हैं। विशेषकर जो कमर्शियल इजाज़तें हैं, जिसको अपने मुख्य सड़क बाज़ार के अंदर अपनी दुकान का नवनिर्माण करना है या पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ के नया बनाना है, वो नगर पालिका के अंदर धक्के खा खा के परेशान हो जाते हैं। उनका लैंड लीज चेंज करने के लिए जितनी की जितनी समस्याएं हैं, उसके बाद नक्शे बनाने की जो नक्शा पेश करते हैं जेईएन रिपोर्ट मौके पे होती नहीं है, जेईएन के बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से बड़ी समस्या ये है कि बाड़मेर के अंदर जेईएन की बार बार हल्के चेंज कर दिए जाते हैं। जेईएन की ट्रांसफ़र होने की वजह से पूरा काम जो इजाज़त निर्माण संबंधी है, क्योंकि मौका रिपोर्ट जेईएन करते हैं और जेईएन जब मौके पर होगा ही नहीं, या जेईएन की जो कमी है, सरकार तो ये चाहती है कि आम नागरिक को कोई परेशान नहीं हो, लेकिन बाड़मेर नगर परिषद के अंदर उल्टा हाल है, जेईएन जो समय पे नहीं आते उस वजह से मौका रिपोर्ट नहीं बन रही है। पूरे मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा का कहना है कि विभाग आवेदनों की जांच और जेईएन की मौका फर्ज रिपोर्ट के अनुसार नवीन भवन निर्माण कार्य एवं कंस्ट्रक्शन कार्यो के लिए लगातार अनुमति जारी कर रहा है। उनके अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान अब तक 90 अनुमति पत्र जारी कर दिए गए हैं और 35 आवेदन पेंडिंग है, जिनका निस्तारण जल्द किया जाएगा। 5 दिन तक तो ऑफलाइन चल रही है, अभी गवर्नमेंट के डायरेक्शन आए हैं कि इसको ऑनलाइन की जाए, अभी वो प्रक्रिया चालू है ऑनलाइन की, और 8 दिन तक मेरे ज्वाइन करने के बाद 90 परमिशन मैंने जारी की है और 35 अभी वर्तमान पेंडिंग है, जिसकी जेईएन रिपोर्ट वगैरह बाकी। प्रक्रिया पूरी क्या रहती है?
प्रक्रिया यही है, वो पहले आवेदन करता है, उसके साथ वो अपना जो स्वामित्व का डॉक्यूमेंट और साइट प्लान पेश करता है और साइट प्लान पे कनिष्ठ अभियंता बिल्डिंग लाइन की रिपोर्ट करता है कि भाई ये आप निर्माण स्वीकृति बिल्डिंग लाइन के अंदर है। उसके बाद जो राज्य सरकार के आदेश है राशि की कैलकुलेशन करके राशि जमा कर जारी की जाती है। नगर परिषद के आयुक्त जहां नवीन भवन निर्माण एवं कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए आवेदनों के निस्तारण की बात कह रहे हैं, वहीं अनुमति पत्र जारी करवाने के लिए नगर परिषद के चक्कर लगा रहे लोग नगर परिषद की ढीली कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जयन की मौका फर्द के बिना अनुमति पत्र जारी नहीं होता और जयन है कि समय पर मिलते ही नहीं। ऐसे में आम जनता नगर परिषद के चक्कर लगाती नजर आ रही है।